हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए और प्रेस करें बेल आइकन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में उन सभी स्टूडेंट्स के डाउट को सॉल्व करूंगा जो स्टूडेंट जून 2023 एग्जामिनेशन देने वाले हैं। स्टूडेंट के मन में बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे जो है क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट के मन में, तो आज मैं उन सभी क्वेश्चंस का आपको जवाब दूंगा। तो अगर आप भी जून 2023 एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो एकदम सही है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जून 2023 एग्जामिनेशन के बारे में। सबसे पहली बात, जून 2023 सेशन कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल है जून 2023 सेशन को एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जिन स्टूडेंट ने मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन के लिए जुलाई 2022 में अप्लाई किया था वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं आपके जून 2023 एग्जामिनेशन को देने के लिए। साथ साथ ही जिन स्टूडेंट ने जनवरी 2023 में अपना एडमिशन लिया था या ये कहीं रजिस्ट्रेशन किया था सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, वो भी स्टूडेंट एलिजिबल है जून 2023 एग्जामिनेशन देने के लिए। साथ साथ ही जिन्होंने दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन दिया था या उससे पहले एग्जामिनेशन दिया था और उनकी बैक आ गई थी, वो स्टूडेंट भी एलिजिबल है जून 2023 एग्जामिनेशन देने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपके जून 2023 के एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में कि जून 2023 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब रिलीज होगा। तो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है, इसके रिगार्डिंग हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको नोटिफाई कर दिया था, क्योंकि जैसे ही अपडेट आती है तुरंत हम आप लोगों के तक जो है उस अपडेट को पहुंचा देते हैं। तो जून का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट जो है 5th of April रहने वाली है, जिसे फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन कोई भी स्टूडेंट वेट ना करे लास्ट डेट का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, उन्होंने कई बार ऐसा झटका दिया है स्टूडेंट को जिस टाइम पे उन्होंने डेट को एक्सटेंड नहीं किया, और उस टाइम पे हमारे जैसे जो यूट्यूबर्स हैं या फिर हमारे जैसे जो स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन लोगों ने जो है इग्नू के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया एक्सेट्रा चीज़ें की, जिसके बाद इग्नू ने डेट्स को एक्सटेंड किया। लेकिन वो नौबत ना आने दें, आप लोग जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म टाइम पे भरें। डेट फर्दर एक्सटेंड होनी है उसके रिगार्डिंग हम आपको जो है नोटिफाई कर देंगे, लेकिन आप लोग लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करना। 5th of April आपकी लास्ट डेट है, कोशिश कीजिए अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को जस्ट बाद ही अपना जो है आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर दें। अच्छा, एग्जामिनेशन फॉर्म की अगर आपको लास्ट डेट पता चल गई है 5th of April है, तो आपको बता देना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होता है कि रजिस्ट्रेशन कर लिया अब एग्जामिनेशन फीस हम क्यों भरें। तो देखिए, सभी स्टूडेंट को बताऊं मैं कि इग्नू में जो है एग्जामिनेशन फीस आपको पे करनी होती है। पहले ये 150 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 200 कर दिया गया है 2-3 सेशन से। तो 200 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी फीस रहने वाली है एग्जामिनेशन। जैसे आपके 6 सब्जेक्ट है तो 1200 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फीस रहेगी। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन आपके कब कंडक्ट कराए जाएंगे। तो जो कि इग्नू एक टेंटेटिव डेट शीट रिलीज करता है उसके अकॉर्डिंग जो आपके एग्जामिनेशन है वो 1st of June से स्टार्ट होंगे और 6th of July पे आपके एग्जामिनेशन जो है खत्म होंगे। आई होप कि मैंने जून 2023 सेशन के रिगार्डिंग आपको सभी डिटेल दी है। अगर कुछ और डाउट्स हैं आपके मन में तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम अगेन वीडियो बनाएंगे। बाकी आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहे। क्लासेस हमारे जो अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।